बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ज़ीशान व्लॉग यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सेहत कामला अता फरमाए। आज सितंबर की 19 तारीख 2021, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे गांव के साथ जो हमारा रेलवे स्टेशन है, बहुत ही पुराना था। यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेनें गुजरती थीं। ये लाहौर, कसूर, पापतन, समासठा, ये ट्रेनें इधर से चलती थीं। मगर अब एक ट्रेन चलती है, फरीद एक्सप्रेस, जो लाहौर से कराची के लिए होती है। तो हमारे यहाँ तो इधर नहीं रुकती। तो अगर मैं आपको इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री बताऊं, तो मेरी अपनी एज जो है ये 40 साल से ऊपर है। तो अंदाज़ा ऐसे कर लें 35 साल पीछे चला जाऊं, तो मुझे यही याद आता है कि यहाँ लाहौर से समासठा के लिए, लाहौर कसूर, लाहौर बरास्ता कसूर, पापतन और समासठा, अप और डाउन चार पांच पांच ट्रेनें चलती थीं। तो आज एक ट्रेन फरीद एक्सप्रेस वो चलती है, तो वो हमारे स्टेशन पे नहीं रुकती। तो अब स्टेशन पे इधर पापतन कसूर, तो लाहौर कसूर और पापतन, आगे कराची के लिए ओनली वन ट्रेन इस ट्रैक पे चलती है। एक अप है और एक डाउन है, फरीद एक्सप्रेस। तो पहले मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, अगर मैं इस स्टेशन की हिस्ट्री बताऊं, आज से 35 साल पीछे चला जाऊं, तो यहाँ अप ट्रेनें थीं वो पांच और डाउन भी पांच थी, जो कसूर, जो लाहौर कसूर और पापतन से लेकर समासठा चलती थी। वो तीन रात को, तीन दिन को एक साइड पे, दूसरी ऐसे ही वो तीन रात को, तीन दिन को। तो इसके अलावा एक रेल कार, जो दोस्त वीडियो देखते हैं, जिनको पता है, उनको मालूम, रेल कार के नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ से जो रेल कार चलती थी, तो उस वक्त और कोई वसाइल, रेल के अलावा कोई वसाइल नहीं थे। तो वो रेल कार तकरीबन 7:30 पे सुबह फर्स्ट टाइम आती थी, हमारे इधर पहुँचती थी। तो वो लाहौर कसूर पापतन तक आती थी और एक घंटा पापतन में वो उसका स्टे होता था, और फिर वो वापस लाहौर के लिए रवाना हो जाती थी। तो हमारे इस इलाके के जो गांव हैं, तकरीबन 20-25 गांव, क्योंकि और कोई वसाइल नहीं थे, तो वो इसी रेल कार और इसी ट्रेनों पे सफ़र करते थे। उसको इतनी रौनक होती थी, बहुत ही ज़्यादा रौनक, और इतना रश होता था कि जो रेल कार सुबह फर्स्ट टाइम 7:30-8 बजे आती थी, तो उस पर बैठने के लिए अंदर जगह नहीं होती थी। तो ज़्यादा जो सवारी, स्टूडेंट वगैरह, स्टूडेंट भी रेल कार पे ही जाते थे। तो वो
उसकी छत के ऊपर बैठकर जाते थे। तो हमारे यहाँ इधर उस वक़्त कोई हाई स्कूल भी ना था, तो जो स्टूडेंट हैं तो जो स्टूडेंट थे वो कॉलेज में जो या 9th और 10th में वो पापतन सिटी जाते थे, तो इसी रेल कार के ज़रिए उन्होंने अपनी तालीम को हासिल किया। वापसी उनकी ट्रेन होती थी, ट्रेन के बाद 5 बजे जिसको हम पंजाबी में क्या कहूँ डब्बा बोलते थे, वो लेट आता था असर के वक़्त तकरीबन, तो उस पे वापसी होती थी उन स्टूडेंट की। और जो फैमिली वगैरह है जो सफ़र करते हैं वो इसी तरह करते थे। तो अब मैं इस पर विज़िट करने आया हूँ तो मुझे आप बहुत ही अफसोस हो रहा है इसको ख़त्म करने वालों पे, जिन्होंने ये ख़त्म कर दिया है। ये इतना खूबसूरत होता था मैं आपको क्या बताऊँ। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि वो बचपन की यादें इस पे लाई जाएं तो आपको भी बताया जाए, तो जो वीडियो देखते हैं उनको भी पता चले कि जिन्होंने इस स्टेशन पे आकर सफ़र किया ट्रेन का, तो उनको मालूम हो जाएगा ये मेरी वीडियो देखकर। तो ये पापतन जो है, पापतन से लाहौर वाली साइड पे, इसको कह लें पापतन से मशरक वाली साइड पे पहला स्टेशन है। मसलन ये चानूर मोहम्मद है तो इसके बाद पापतन आता है। तो ये स्टेशन बहुत ज़्यादा सूटेबल था 20-25 गांव को, इस पे वो सफ़र करते थे, तो 20-25 गांव के मुसाफर इस ट्रेन पे सफ़र करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सफ़र, हमारा तो डेली सफ़र था उस वक़्त यहाँ से। तो आज मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ, मगर वक्त के साथ साथ है, वक्त ने इसको बहुत ही तब्दील कर दिया है। ये देखें खंडरात, आपको यहाँ आबादी थी, वो रेलवे का जो अमला था वो इधर ठहरता था। ये देखें आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे खंडरात, ये देखें जो रेलवे के मुलाजम थे वो इधर स्टे करते थे, स्टेशन मास्टर और उसके साथ वाले।